की वीडियो में मैं आपको गर्म और आरामदायक मोजे बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम अपने पैर का नाप ले लेते हैं कि हम किस तरीके से मोजे बनाएंगे और किस तरीके से अपने पैर का नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पैर को इस तरीके से रखेंगे और इंची टेप को ऐसे पकड़ के हम यहाँ से और यहाँ तक अपने पैर का नाप लेंगे। तो देखो ये हमारे पैर का नाप यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये 9.5 इंच देखो। और फिर जहाँ से हमारे पैर की सबसे चौड़ी गोलाई है हम यहाँ से अपने पैर का नाप करेंगे, तो हम यहाँ से इसका नाप लेंगे। तो यहाँ से ये आ रहा है 8 इंच, यहाँ से इसकी लंबाई है 9.5 इंच और पैर की गोलाई है 8 इंच। तो इसी तरीके से हम अपने कपड़े की कटिंग करेंगे। तो मोजे बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और उसमें अंदर डालने के लिए ये टी शर्ट का कपड़ा यूज करूंगी, जिससे कि हमारे मोजे ही वो गर्म बनेंगे। तो ये कपड़ा ले रही हूँ मैं डबल, दोनों मोजे बनाने के लिए हमें डबल कपड़ा लेना है, जिससे कि हमारे दोनों पैर के मोजे बन सके। तो हमारे पैर की गोलाई है वो 8 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और 1/2 इंच की रखेंगे उसमें हम लूजिंग। तो मैं ये 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और अब हम अपने पैर की लंबाई के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो लंबाई है 10 इंच और 1 इंच मैं मार्जिन का रख रही हूँ और 1/2 इंच लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं 11.5 इंच का निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये कपड़ा हमारा डबल है और इसको निशान की जगह से ही कपड़े को हम कट कर देंगे। मैंने ये डबल कपड़ा कट कर लिया है। अब इसी के हिसाब से हमारे पास ये टी शर्ट का कपड़ा है, हम उसकी कटिंग करेंगे। आप इसमें टी शर्ट का, शर्ट का या फिर कोई और चीज का कपड़ा भी इसमें ले सकते हैं, जिससे कि हमारे मोजे हैं वो गर्म रहे। तो हम ये कपड़ा इस तरीके से रखेंगे। और चारों तरफ से बराबर बराबर कपड़े को काट लेंगे। ये टी शर्ट का कपड़ा भी मैंने इसके बराबर काट लिया है। तो 2 पीस तो मेरे पास इस कपड़े के हैं और 2 पीस ये टी शर्ट वाले कपड़े के भी कट के तैयार हो गए हैं। 1 पीस को उठाकर हम साइड में रख देंगे और फिर हम 2 कपड़े लेंगे और उसको हम लंबाई की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। और यहाँ पे ये कपड़े की लंबाई है ये 12 इंच है, तो हम यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाएंगे इसके हाफ और 1/2 इंच का निशान लगाएंगे हम इसमें मार्जिन के लिए। और यहाँ से इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं 1.5 इंच और इसमें हम इस तरीके का निशान लगा देंगे और यहाँ पे निशान को इस तरीके से गोल शेप में लगाएंगे। और यहाँ पे निशान लगा रही हूँ मैं 1 इंच का, इस तरीके से हम इसमें गोलाई की शेप देंगे। अगर आप छोटे साइज का मोजा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1/2 या फिर 2 इंच का निशान भी गहराई के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच का निशान लगाया है। और इसी तरीके से हम इसको कट कर देंगे। और दूसरे पैर के मोजे को भी इसी पैटर्न से हम तैयार कर लेंगे। और अब मैं दोनों मोजों को आपको सिल के बताती हूँ। अब मैं आपको मोजे की सिलाई करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये वाली सिलाई लगानी है और ये सिलाई इसी तरीके से गोल शेप में लगानी है और फिर इसको इस तरीके से सीधा करना है और सीधा करके यहाँ पे एक और भी पट्टी कट करनी है। तो मैं और भी पट्टी इस कपड़े में से काट रही हूँ और इसको इस तरीके से उल्टी साइड में पट्टी को रखना है ऐसे और फिर इसको यहाँ से सिल देना है। कपड़े को सभी जगह से बराबर करते हुए सिलाई को लगाना है और यहाँ पे हमने ये जो सिलाई लगाई है इसको हम इस तरीके से करेंगे और कपड़े को हम दोनों साइड में करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा मोजा है वो पहनने में टाइट नहीं होगा।
और अब हम पट्टी को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसकी हम सीधी साइड में पट्टी को फोल्ड करेंगे और हम रबड़ की चौड़ाई देखेंगे कि रबड़ की चौड़ाई कितनी है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं इस पट्टी को फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है और सभी जगह से बराबर बराबर रखना है। और इसमें हम यहाँ पे डालेंगे रबड़। ये मेरे पास रबड़ है, अपने पैर के अकॉर्डिंग हम रबड़ को रखेंगे और सेफ्टी पिन या फिर कोई नुकीली चीज से हम रबड़ को इसमें डाल देंगे। तो ये मेरे पास मशीन की सुई है, इससे मैं इसको रबड़ को डाल रही हूँ। और हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई को यहाँ से हम डबल करेंगे जिससे हमारी सिलाई निकले नहीं, और दूसरी साइड में रबड़ को हम इस तरीके से खींचते हुए लाएंगे और यहाँ पे भी इसमें हम सिलाई लगा देंगे। और इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टा करके इस पे हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें सीधी सिलाई लगा दी है और दूसरे पैटर्न को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। और इसको हम ऐसे करेंगे और अपना पैर रखेंगे और पैर रख के इस पे हम इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे रख के अपने पैर को हम इस तरीके से रख के हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ऐसे निशान लगाएंगे हम, ऐसे निशान लगा के यहाँ पे हम फिर सिलाई को लगा देंगे। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट कर देंगे। दूसरे मोजे पे हम दूसरे पैर को रखकर इसी तरीके से निशान लगाएंगे और इसी पैटर्न से हम दूसरे मोजे को भी तैयार कर देंगे। और फिर इसको हम सीधा करके देखते हैं तो ये हमारा मोजा इस तरीके से बन के रेडी हुआ है और ये हमारा दूसरा मोजा इसी पैटर्न से हमने तैयार किया है। तो आप सर्दियों के लिए इस तरीके से अपने लिए गरम मोजे बना सकते हैं और पहन सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।